अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आप डिसाइड कीजिए, आप सोचिए, अपने दिमाग से सोचिए कि आपके सामने जो चीज़ें हैं उसमें गलत क्या है, सही क्या है। आपको अगर लगता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी से बढ़िया प्रधानमंत्री राहुल गांधी हो सकते हैं या मायावती जी हो सकती हैं, तो आप चुन लीजिए और आप देख लीजिए देश आपका कहाँ जाता है, फिर आपकी जो परिस्थितियाँ हैं वो कैसी होती हैं वो आपको देखना पड़ेगा। तो आपको बाद में पश्चाताप ना करना पड़े, इसलिए मैं अभी से आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई गलती मत कीजिए। आप ध्यान रखिए, देश जो है वो चाहता है और देश का भला इसी में है कि श्री नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। आज दुनिया में चाहे वो कोई भी देश हो, हिंदुस्तान की तरफ आँख उठाने में उसकी नानी मर जाती है। आज वो कांप रहे हैं। आज आप देख लो, पाकिस्तान तो था ही, अब चाइना की भी बोलती बंद हो गई है। ये कैसे हुआ है? ये यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को इस तरीके से प्रेजेंट किया है, ऐसे मजबूत किया है कि आज हमारा देश जो है इस स्थान पे आके खड़ा हुआ है। तो जैसा उन्होंने कहा कि मैं ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं रुकने दूंगा, तो आप लोगों का भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि इस देश को झुकने मत दीजिए, इस देश को रुकने मत दीजिए। और जो लोग भी श्री नरेंद्र मोदी जी को रोकना चाहते हैं उनके खिलाफ़ खड़े हो जाइए। यही वक्त है, यही समय है, और फिर से श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए।